आज रात सूरज को ग्रहण लगने वाला है। सूर्य की शक्तियों को कमजोर बनाने वाला ये ग्रहण सोमवती अमावस्या पर लग रहा है। ये एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। ऐसा दुर्लभ सूर्य ग्रहण आज से 54 साल पहले देखा था। इस सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों के मन में बहुत से सवाल भी हैं, जैसे सूर्य ग्रहण कितने बजे लगेगा, क्या ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा, क्या भारत में सूतक काल लागू होगा, क्या उज्जैन में सूर्य ग्रहण का असर दिखेगा या नहीं। तो आइए जानते हैं ज्योतिष आचार्य से। महाकाल की नगरी में जैसा मैंने कहा है कि ग्रह युति का जो दोष है वो जरूर है, ग्रहण तो नहीं है, लेकिन इस दोष की निवृत्ति के लिए भी हम महाकाल का दर्शन कर सकते हैं। महाकाल का सामान्य दर्शन भी किया जा सकता है और महाकाल के दर्शन के बाद किसी भिक्षु को दान करने की परंपरा यहाँ पर है। इसको करने से सूर्य की अनुकूलता होती है और ग्रह के दोष समाप्त होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये कहूँगा, पहली बोली है कि इस बार वर्ष में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं है। हाँ, सूर्य, राहु, चंद्र, शुक्र, इन चार ग्रहों की युति का संबंध बना है, तो ग्रह युति दोष जरूर आया है इसके अंदर। अगर ग्रह युति दोष है तो उस दोष की निवृत्ति के लिए शिव मंदिर पर अष्टाध्यायी रुद्र का अभिषेक करना चाहिए। अगर अभिषेक की स्थिति न बने तो सामान्य व्यक्ति जल का कलश लेकर के, दूध का कलश लेकर के, जल और दूध से भगवान शिवलिंग पर जल चढ़ावें, दूध चढ़ावें, सफ़ेद चंदन का त्रिपुंड लगावें, आकड़े के साथ फूल चढ़ावें, अक्षत चढ़ावें, घी का दीपक लगावें, मिश्री का भोग लगाएं। यह करने से सूर्य की अनुकूलता होती है। साथ ही नाग देवता के यहाँ पर पे गाय का दूध का भोग लगावें, गूगल की दीप लगाएं। यह करने से जो जन्म कुंडली में राहु का दोष है, नाग का दोष है या सर्प श्रापित दोष है, उस दोष की विधि शांति होगी। इसके अलावा चंद्रमा सूर्य का योग बनता है, ऐसे योग में दान का बड़ा महत्व बताया गया है, तो दान के मामले में अन्न का दान या सीधा दान हम कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को यथायोग्य भिक्षुकों को भोजन दे सकते हैं, गाय को चारा दे सकते हैं, पशु पक्षियों को किसी भी प्रकार की सहायता हम कर सकते हैं। ग्रहण की अगर बात करते हैं तो ग्रहण भारत से बाहर है, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और साउथ यूके, यहाँ पर इसका इम्प्रेशन रहेगा। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में सूर्य ग्रहण का प्रभाव दिखाई देगा जो भारत से बाहर है। इस दृष्टि से ग्रहण वहाँ पे चल चुका है और आखिरी का ग्रहण 2 बजे के आसपास अर्जेंटीना के आसपास के शहरों में दिखाई देगा। युति दोष के परिहार के लिए पूछ लो आप। पंडित अमर डब्बा वाला उज्जैन।